जय साईं राम। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, और खास इसलिए है क्योंकि आज मैं आई हूँ शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए, और मेरे लिए और भी ज्यादा खास है क्योंकि मैं आज अपने साईं बाबा के साथ आई हूँ साईं बाबा के दर्शन के लिए। वैसे साईं बाबा के बारे में मुझे आप सब लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि विश्व भर के लोग शिरडी के साईं बाबा के बारे में जानते हैं। जब मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ। अफसोस की बात ये है कि मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करा सकती क्योंकि यहाँ पर अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारी सिक्योरिटी है जिस वजह से यहाँ पर फोन कैमरा सब कुछ यहाँ पर एक लॉकर में रखवा दिए जाते हैं या तो फिर आप अपने बैग में रखिए। यहाँ पर आप कैमरा लेकर नहीं जा सकते, बिल्कुल फ़ोन निकाल भी नहीं सकते। इस वजह से मैं अंदर फ़ोन लेकर नहीं जा पाई हूँ। फिलहाल मैं दर्शन करके आई हूँ और मैं हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि हम लोग सुबह जल्दी पहुंच गए थे, करीब 5 बजे के हम लोग 5 बजे करीब पहुंच गए थे और हम लोग सीधे बस वही 6 बजे तक हम लोग दर्शनों के लिए आ गए, तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन मिल गए। यहाँ पर VIP पासेस भी मिलते हैं दर्शनों के लिए, पर अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो आपको VIP पासेस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कॉस्ट है लगभग 200 या 300 के करीब, ऐसे ही VIP पासेस की कॉस्ट है। और दूसरा भी पास लेना पड़ता है यहाँ पर, बायोमेट्रिक पास, जिसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर ये अभी स्टार्ट हुआ है एक्चुअली बायोमेट्रिक पास, इसके पहले नहीं चलता था। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली, काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन फिलहाल हम लोग आधे घंटे के अंदर ही दर्शन कर चुके थे। और यहाँ पर एंट्री के लिए काफ़ी सारे गेट हैं, किसी भी गेट से आप एंटर करेंगे सीधे आप साईं बाबा के मंदिर, साईं बाबा के दरबार पर ही पहुँचेंगे। टेंपल के अंदर जो उनका सिंहासन बना हुआ है वो पूरा सोने का बना हुआ है, और उनकी वहाँ पर मतलब आप अच्छे से जाकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही शिरडी के साईं बाबा का बहुत ही महत्व है, कहते हैं कि वहाँ पर जाने से मतलब यहाँ पर आने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो विश्व भर के लोग यहाँ पर उनके दर्शनों के लिए आते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बाहर के विजुअल से वो मैं सब आपको दिखा सकती हूँ, सॉरी मैं आप लोगों को अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोग कभी यहाँ पर दर्शन करने आए तो अगर आप सुबह आते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से बिना वेट किए आपको दर्शन मिल जाएंगे, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल मैं दर्शन कर चुकी हूँ और मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर आप लोगों के लिए विजुअल्स लिए हुए हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं शनि सिग्नापुर के लिए और उसके बाद हम जाएंगे त्रम्बकेश्वर मंदिर। तो मैं जितना हो सकता है मैं आप लोगों को वहाँ पर दर्शन कराऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल में, देखते रहिए मेरे वीडियोस और दर्शन करते रहिए। भगवान के जय श्री राम, जय साईं राम। शिरडी के साईं बाबा विश्व प्रसिद्ध साईं बाबा हैं और इनको दर्शनों के लिए देश भर से लोग आते हैं। जब हम लोग यहाँ पर गए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, शिरडी में हमेशा ही भीड़ रहती है, कभी भी आप जाएंगे तो हमेशा भीड़ रहती है। बस लोगों ने ये कहा कि संडे और थर्सडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उस दिन दर्शनों के लिए बहुत लंबी लाइन भी लगती है और साथ ही साथ बहुत घंटों तक वेट करना पड़ता है। पर हम लोग इन दोनों में से किसी भी दिन नहीं गए थे, हम लोग गए थे वही मंगलवार या फिर बुधवार के दिन, और हम लोगों को बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, मतलब मिली थी लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं थी। तो पर लाइन पे तो लगना ही पड़ा था, पर हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे आधे घंटे के अंदर। यहाँ पर जाने के लिए कई सारे गेट हैं, 1, 2, 3, 4 करके इस तरह से गेट बने हुए हैं, आप किसी भी गेट से एंट्री ले सकते हैं और सीधे आप साईं बाबा के दरबार में ही पहुँचेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारी आपको शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ जब यहाँ पर आए हैं तो इतनी दूर से कुछ ना कुछ चीज़ें तो लेके जाना चाहिए। एक ये रहता है कि हाँ हम साईं बाबा या शिरडी गए थे तो वहाँ से ये लेकर आए, तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको शॉप्स भी मिल जाएंगी और तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। के साईं बाबा के दर्शनों के साथ साथ वहाँ पर कई सारी समाधि बनी हुई हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप कभी जाएं तो साईं बाबा के म्यूज़ियम जाना मत भूलें, क्योंकि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी,
किस तरह की कढ़ाई वो लोग बर्तन यूज़ किया करते थे खाना बनाने के लिए, साथ ही साथ कैसे खड़ाऊँ थी उनकी, सिंहासन, पालकी, आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको उनके म्यूज़ियम में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और लोगों का ये कहना है कि ये उन्हीं की यूज़ की हुई चीज़ें हैं जो आज तक लोगों ने संभाल कर रखी हुई हैं सबको दिखाने के लिए। तो कभी भी आप वहाँ पर जाएं तो उनके म्यूज़ियम जाना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, वहाँ पर ट्रस्ट की चाय बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप लोग कभी भी जाते हैं ना, तो होटल की चाय तो हम लोग कभी भी पी सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट की चाय वहाँ पर बहुत अच्छी चाय मिलती है। आप कॉफ़ी पिए, चाय पिए, मैंने तो चाय पी थी तो मुझे चाय बहुत अच्छी लगी थी। तो आप कभी भी जाएँ तो वहाँ पर चाय पीना बिल्कुल मत भूलें। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाती रहूँगी, आप देखते रहिए मेरे इस वीडियो में। तो ये देखिए, आपको चाय का, चाय कितने की मिलेगी, कॉफ़ी कितने की है, दूध कितने का है। तो हमने तो चाय पी थी यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें आपको डेली यूज़ की, या फिर जैसे कि फ्रेंडशिप डे के लिए धागे मिलते हैं, वैसे तो ये मन्नत वाले धागे होते हैं, या आप कह सकते हैं भगवान के मंदिर वाले धागे होते हैं। तो आप वहाँ पर जाते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, ये भी एक प्रसाद में जैसे आप लोगों को बांट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया जितना मैं दिखा पाती। और अब हम चलते हैं शनि सिग्नापुर के लिए। कहते हैं अगर शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने जाएं तो शनि सिग्नापुर ज़रूर जाना चाहिए, यार दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी निकले अब शनि सिग्नापुर के लिए। और रास्ते में हमें ये और गन्ने का जूस निकालते हुए मिले, और हमने गन्ने का जूस पिया भी वहाँ पर, 10-15 मिनट हम लोग रुके भी। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज भी गन्ने का जूस बैल के सहायता से निकाला जाता है, ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा था। तो अब यहाँ से हम निकलकर चलते हैं, यहाँ से हम जाते हैं शनि सिग्नापुर। अभी हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर और सब लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और मैं एक्चुअली प्रसाद लेना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं प्रसाद लेना। दादा प्रसाद कैसे है? ये 50 वाला है, 100 वाला। अब दादा दोनों में अंतर क्या है? इसमें ना लोहा वगैरह सब कुछ आता है घर लेके जाने के लिए, 4 चीज मिलता है, 3 चीज मंदिर में चढ़ाने के लिए रहता है, 7.5 का मंदिर में दान होता है। और वो खाली चढ़ाने वाला, इसमें लोहा वगैरह आता है, उसमें लोहा वगैरह नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो ठीक है आप ये वाला देखिए, 8 चीज जाता है उसमें 7 आए ऐसे। अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने ये प्रसाद लिया, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि इसमें सारी चीज़ें हैं। मैंने सोचा इतनी दूर आई हूँ तो आधे अधूरी चीज़ें क्यों लूँ, मैं सारा का सारा ले लेती हूँ जो कि चढ़ाया जाता है। यहाँ पर 5 चढ़ाए जाते हैं जो कि आपने पहले देखा। अब हम जैसे ही दरवाजे पर घुसते हैं वैसे ही 5 चढ़ाया जाता है और काला कपड़ा चढ़ाया जाता है। और अभी यह लाइन लगी हुई है शनि भगवान के दर्शनों के लिए, इस वक्त हम क्यों में लगे हैं। और यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है, जो भी प्रसाद के साथ में तेल मिलता है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। अब उसके बाद सीधे जाते हुए आपको लाइन पे ही लगे रहना पड़ता है। और अब धीरे धीरे आप देखते जाइए कि मैं कहाँ पर आप लोगों को लेकर जाती हूँ, मैं आपको क्या दिखाती हूँ, आप देखते रहिए। यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। और ये है शनि भगवान जो कि पत्थर के रूप में रखे हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मंदिर एक बना हुआ है, उनके सामने मंदिर बना हुआ है जिसमें कि इस तरह से सारे भगवान रखे हुए हैं। लोग अगर जाते हैं दर्शन करने तो इस मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं, इस पत्थर के दर्शन करने जाते हैं जो कि शनि भगवान का पत्थर माना जाता है। और यहाँ पर लोग प्रणाम करते हैं और यहीं पर है उनके चरण, जहाँ पर जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, प्रणाम कर सकते हैं उनके, आप सिर झुका सकते हैं, नमन कर सकते हैं। ये हैं शनि भगवान के चरण। कहते हैं कि नहीं, मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को इतिहास में नहीं लेके जा सकती हूँ वरना मैं भूल जाऊँगी। तो हम लोग दर्शन कर चुके हैं और अब हम चल रहे हैं यहाँ का प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि यहाँ का भी प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है। इस प्रसाद में नारियल की बर्फी होती है, ये आप देख सकते हैं कितने सारे लोग लाइन पे लगे हैं। हाँ, पे करना पड़ता है लेकिन प्रसाद बहुत अच्छा होता है। तो हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम निकलेंगे यहाँ से, अब हम निकलेंगे त्रिम्बकेश्वर नाथ के दर्शनों के लिए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मानी जाती है जो कि नासिक में है।